नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम भैया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम पर डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारे साथी हमारे कहते हैं सर 8 बजे वाला सेशन क्या प्रॉपर तरीका से बंद है? बिल्कुल नहीं है भैया, प्रॉपर तरीका से बंद नहीं है। 8 बजे वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगा और हम टेलीग्राम पर शेयर कर दिया करेंगे जिस दिन क्लास होगी, या 7 बजे वाली क्लास प्रॉपर तरीका से चलती है मित्रों, उसमें बता देंगे। देखिए, आप फीस दे करके 10,000 रुपये 20,000 रुपये दे करके कहीं पर चले जाना, ऑफलाइन में मेरे प्यारे मित्रों या ऑनलाइन में चले जाना, आपको जंतु जगत का वर्गीकरण नहीं पढ़ाया जाएगा। यदि पढ़ाया भी जाएगा तो इतना भैया ज्ञान नहीं मिलेगा जितना मैं आज आपको देने जा रहा हूँ प्रॉपर 1 घंटा में। मेरे प्यारे साथियों, जंतु जगत का वर्गीकरण बहुत, आप मानते हैं बहुत सारा टफ है सर, बहुत सारा टफ है। हमने कहा भैया बिल्कुल टफ नहीं है। कौन सा भी एग्जाम दिल्ली पुलिस का हो, SSC का हो, पुलिस का हो, रेलवे का हो, जहाँ भी साइंस आएगी, नहीं भी आएगी ना, फिर भी पूछ लिया जाता है, बेसिक चीज़ें हैं। नानथोर हाई स्कूल की जो NCERT पढ़ते हैं ना, वो भैया प्रॉपर तरीका से हम भैया उसका निचोड़ लेकर के आए, भैया डिक्टो वही छापा है हमने। आइए मित्रों, सेशन अच्छा लगे अंत तक देखते रहना। मित्रों, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो ऐसे परिवार के सदस्य हैं कि इस बात को जरूर मानेंगे। आपसे वायदा है कि आपको इतना सिंपल तरीके से पढ़ाया जाएगा तो सेशन को दम लगा करके शेयर कर दो भैया। ये परिवार आपका दिनों दिन मंजिल पर आराम से, आप दो दो साथियों को भी जोड़ते जाएंगे ना, फिर भी आराम से भैया जो हमारी एक ख्वाहिश है ना लाइव आने की, आराम से जल्दी काम पूरा हो जाएगा। मित्रों, आशा है ऐसा काम जरूर करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए दिनों रात पसीना बहा रहे हैं। करंट अफेयर की सीरीज 7 बजे चला रहे हैं, ये जंतु जगत का वर्गीकरण, बहुत सारे वर्गीकरण हैं, पादप जगत का वर्गीकरण ये पहले लेकर के आएंगे, जो परीक्षा में अहम रोल निभाएंगे उन्हें पहले लेकर के आएंगे। आइए चर्चा करते हैं। जीव विज्ञान जैसे ही शब्द माइंड में आता है मित्रों, तो समझ आता है सर यहाँ जीवों का अध्ययन किया जाएगा क्या? हमने कहा हाँ बिल्कुल किया जाएगा सर। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो जंतु विज्ञान होती है, एक वनस्पति विज्ञान होती है। जिस भी जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, और भैया जिस भी विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। आइए मित्रों, जंतु विज्ञान का हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईसा पूर्व में जंतु इतिहास नामक किताब लिखी थी, इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान जूलॉजी का जनक कहा जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, यदि टैक्सोनॉमी की बात करें, जंतु विज्ञान के वर्गीकरण की बात करें भैया वर्गीकरण की, तो ये जूलॉजी की वह शाखा होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण, ध्यान से एक एक शब्द को पढ़ें मेरे प्यारे मित्रों, यहीं से सवाल डिक्टो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। बहुत ही डाटा इतना लेकर के कंटेंट आए, बता देना एंड में भैया, और डिसलाइक वाला बटन है दबा देना, ठीक है, अच्छा ना लगे तो। क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब सर हमने कहा भैया टैक्सोनॉमी उसे कहते हैं। सर किसे कहते हैं? हमने कहा आप अपने मकान को लीजिए, पहले आपके मकान में आप जिस किताबों से पढ़ते हैं उन किताबों को कहाँ रखेंगे आप बताइए? जिस जगह खाना खाते हैं उस जगह रखेंगे क्या? अरे सर गजब बात कर दी। हमने कहा किताबों को रखने के लिए अलग जगह होगी, कपड़ों को रखने के लिए अलग जगह होगी, खाना खाने के लिए अलग जगह होगी, भैया सोने के लिए अलग जगह होगी। यदि सारा मिक्सचर कर दिया जाएगा तो मेरे प्यारे मित्रों भटक जाएंगे आप, कि हमें आज तो गणित पढ़ना है, आज तो हमें जीव विज्ञान पढ़नी है, किताब कहाँ मिलेगी? किचन में मिलेगी क्या भैया? बिल्कुल जो सोते उस जगह पर मिलेगी, बताइए। वैज्ञानिक जब ये चीज़ सोच रहे थे कि ये भाई हमने बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर लिया, बहुत सारे जीव जंतु हो गए, देखिए आपने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखे हैं कि नहीं बताओ? आपने छिपकली की छिपकली कहते हैं और मक्खी भी कहते हैं आप मेरे प्यारे मित्रों, चीटा है, चीटी है, बहुत सारे चीज देखते हैं, केंचुआ है, बताइए देखते हो कि नहीं बताओ मेरे प्यारे मित्रों, थम्स अप करिए। सर इनको कहाँ पर रखा जाए? कबूतर देखते हैं भैया, तोता देखते हैं, मानव को देखते हैं, घोड़ा बिल्ली कुत्ता सब देखते हैं, कहाँ रखा जाए? सबको एक ही जगह रख दिया जाए क्या?
ये सर देखने के लिए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कि इन सबों इन सारे भैया जितना भी मैंने बताया उनको हम व्यवस्थित तरीके से इस जगह पर रखेंगे, उनके अलग अलग कमरा बनाने जा रहे हैं। ये आज का टॉपिक है, बताइए थम्सअप करिए सरल भाषा में समझ में आया कि नहीं। मानव को किस संघ में रखेंगे भैया, केंचुआ को किस संघ में रखेंगे, मक्खी को किस संघ में रखेंगे, तोता को किस संघ में रखेंगे, अलग अलग बांटेंगे। मित्रों मेरे प्यारे साथियों ध्यान रख लेना चाहिए आपको, 1735 ईस्वी में कैरोलस लीनियस नाम याद रख लेना, अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 4000 से ज्यादा जीवों का वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण शब्द से ही पता रहना चाहिए कि सर पूरा व्यवस्थित क्रम बनाना है कमरे में, कॉपियों को अलग रखना है भैया, बिल्कुल खाने वाली चीज को अलग रखना है, किताबों को अलग रखना है। थम्स अप करिए, ये सरल भाषा में आपको समझ में आया कि नहीं कि सर आप जंतुओं का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। हमने कहा हाँ, आराम से जंतुओं को रखेंगे भैया अलग अलग समूह में, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न, ये फादर मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है, किसको, कैरोलस लीनियस को। आइए चर्चा करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, सभी मित्रों को हमने बता रखा है पहले भैया, हमने बताया था जब हमने आपको सेल पढ़ाई थी, बताइए थम्स अप करिए मित्रों, जब हमने सेल पढ़ाई तब बताया था सेल दो प्रकार की होती है, एक तो सर अर्ध विकसित सेल होती है जिसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, सर वो कहाँ मिलती है, हमने कहा वो जीवाणुओं में मिलती है, बैक्टीरिया में मिलती है, वायरस में तो कोई सेल होती नहीं है। हाँ ठीक है सर, अच्छी बात है, हमने कहा एक बताया था कि जो विकसित सेल होगी यूकैरियोटिक सेल होगी, देखिए आराम से रिलेट करिए चीजों को मेरे प्यारे साथियों, सर अच्छी बात है, हमने कहा जो विकसित सेल होती है ना, हमने कहा बिल्कुल, फिर आपके सवाल बना सर ये बताओ कि उसमें तो हमारा शरीर बहुकोशिकी से बना है, क्या ऐसा भी कोई जीव है जो एक कोशिका से बना है, तब बताइए मैंने बताया था आपको कि नहीं कि हाँ बिल्कुल, जिसे अमीबा कहते हैं, पैरामीशियम कहते हैं, युगलीना कहते हैं, ये सारे के सारे जीव एक कोशिका से बने होते हैं, बताइए थम्स अप करिए इस बात के लिए मेरे प्यारे मित्रों। इसी प्रकार से प्राणी दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक कोशिकीय जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने, तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा जितने भी प्राणी हमें एक कोशिका वाले मिलेंगे उन्हें एक कमरा में बंद कर देंगे, सर उस कमरे का नाम क्या होगा, हमने कहा हाँ यही तो हम बताएंगे, सर उन लोगों ने कहा जो भी हमें बहुकोशिकी प्राणी मिलेंगे जिनमें बहुत सारी सेल पाई जाएंगी उनको हम अलग कमरा में बंद कर देंगे, बहुत सिंपल है सर, थम्स अप करिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों। एक कोशिकी जीव और बहुकोशिकी जीव, बहुकोशिकी वे जीव होते हैं सभी मित्रों को पता है जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं, जैसे हमारा शरीर मानव है, हमने कहा भैया सभी बहुकोशिकी प्राणियों को जिस कमरे में बंद किया जाएगा ना, जिस संघ समूह में बंद किया जाएगा उसे मेटाजोआ या एनिमेलिया संघ कहते हैं। द्वारा सुन ले मित्रों, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, सभी बहुकोशिकी प्राणियों को एक संघ समूह मेटाजोआ या एनिमेलिया संघ में रखा जाता है, उसका नाम है मेटाजोआ, बहुत सिंपल है, देखिए टॉपिक आप समझते जाएंगे। हाँ सर समझ में आ गया, हम भी मेटाजोआ संघ में आएंगे क्या, हमने कहा बिल्कुल आओगे, सर घोड़ा किस में आएगा, हमने कहा इसी में आएगा, गजब बात कर दी, सर फिर घोड़ा में हमें अंतर क्या हुआ, हमने कहा इसी अंतर को बांटने के लिए मित्रों वैज्ञानिक लोगों ने कहा भैया इसके भी उपसंग बना दो, घोड़ा को अलग रख देंगे मानव को अलग रख देंगे, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, हमने भैया इसके 9 संघ बना दिए, किसके, इसी बहुकोशिकी के, सर उनके क्या नाम है, हमने कहा एक नाम पॉरीफेरा है, दूसरा सिलेंटेट्रा है, तीसरा प्लेटे हेलमेंथीज है, चौथा एसके हेलमेंथीज है जिसे निमेटोडा भी कहते हैं, पांचवा भैया एनिलीडा है, छठवा आर्थोफोडा है, सातवा मोलस्का है, आठवा इकाइनोडर्मेटा है, नौवा भैया कॉर्डेटा संघ है। मित्रों बहुत सारे लोगों को टफ लग रहा होगा मैं मानता हूँ, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं इन चीजों को, भैया पढ़ लीजिए, देखो ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है मित्रों, ज्ञान मिलना चाहिए, सीखते रहना है आपको। आप देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप कहते सर ये हमारे काम में नहीं आएगा, भैया हर चीज काम में आती है, शिक्षा कभी धोखा नहीं देती है, आप सभी मित्रों को पता है। सर अब ये बताओ एक कोशिका वाले जीवों को कहाँ रख दिया आपने,
हमने कहा भैया हमने बताया तो था अभी, एक कोशिका वालों को हमने नाम दे दिया है प्रोटोजोआ संघ। याद रख लेना, एक कोशिका को प्रोटोजोआ में रखेंगे, बहुकोशिकी वालों को मेटाजोआ या एनिमेलिया संघ में। उसके भी 9 संघ बना दिए हैं, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, फ्लैटे हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज, एनिलीडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोडेटा। याद कर लेना मित्रों, बहुत अहम रोल निभाएंगे। अब भैया बारीकी बारीकी से सबका अध्ययन कर लेते हैं, अलग अलग तरीका से प्रॉपर अंत तक देख दे सेशन को देखते रहना भैया, हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। पहले हम एक कोशिकी जीवों को अलग खत्म करते हैं, प्रोटोजोआ संघ। मेरे प्यारे मित्रों आइए चर्चा करते हैं बेहतरीन तरीका से। भैया प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफस ने 1820 ईस्वी में किया था। याद रख लेना, एक एक लाइन से सवाल पूछे गए। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकी जंतु होते हैं मित्रों, याद रख लेना, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। जब एक कोशिका से बने तो भैया बहुत सूक्ष्म ही तो होंगे, अमीबा है, पैरामीशियम है। इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई टिश्यू या ऑर्गन नहीं होता है। मेरे प्यारे मित्रों देखिए, जैसे बहुकोशिकी में होता है, ऐसे एक कोशिका वाले संघ जिन्हें प्रोटोजोआ संघ में रख दिया है ना, उनमें कोई भी टिश्यू नहीं होता है, कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, हमने ठीक है साहब। इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते से श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। क्यों सर, हमने कहा सवाल आप पूछते कि सर सांस कहाँ से लेते हैं, फिर हमने कहा वो बाहरी सतह के रास्ते से श्वसन का काम करते हैं, उत्सर्जन का काम करते हैं। याद रख लेना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, उदाहरण बताओ सर, हमने कहा हाँ गजब ही बात कर दी आपने, अमीबा नहीं देखा है आपने, देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, अमीबा का वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस है। अमीबा को समुद्र का देवता भी कहते हैं। एक एक लाइन से सवाल डिक्टो छपे हुए हैं, फिर मत कहना भैया। पैरामीशियम जिसे चप्पल जंतु कहते हैं, पूछा गया था चप्पल जंतु किसे कहते हैं, तो देख लीजिए चप्पल दिख रही है कि नहीं आपकी, पैरामीशियम है। युगलीना है मित्रों, सर ये तो हरा हरा दिख रहा है, हमने कहा तभी तो युगलीना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जंतु व पादप दोनों के लक्षण होते हैं। मेरे प्यारे साथियों द्वारा सुने इसको, देखिए ये जंतु तो पड़ ही रहे हैं, ये जंतु तो है ही प्रॉपर, बट ये पादप के लक्षण भी दिखते हैं, इस वजह से इसे हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। पूछा गया है मल्टीपल टाइम भैया, ट्रिप्नोसोम गैम्बियस पूछा गया है कई बार, ध्यान रख लेना। ये है फोटो भैया, इससे स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। ये क्या होता है सर, हमने कहा सीसी एक मक्खी होती है, उसके काटने से भैया मानव के शरीर में ब्लड में ये रोग पैदा हो जाता है। याद रख लेना, बहुत बार पूछा गया है। एसीटी बुलेरिया तो कितनी बार बताएं सर, ये पूछा गया है, हमने कहा यह एक सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है। सवाल पूछा गया था मित्रों कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है, लग तो ऐसा रहा है सर ये वृक्ष है कोई, एसीटी बुलेरिया, हमने कहा ना 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 ना, एसीटी बुलेरिया कोई वृक्ष नहीं है, ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है जो एक सिंगल सेल से बना है। याद रख लेना, सिंगल सेल वालों को जिस संघ में रखा जाता है, जिस घर में रखा जाता है, उस घर का नाम दे दिया है प्रोटोजोआ संघ। बताइए आपका घर नहीं है सर, आपके गांव का नाम एक्स वाई जेड, मेरे गांव का नाम एक्स वाई जेड है सर, मैं रहूंगा तो एक्स वाई जेड में रहूंगा, सिंपल सा है। बताइए थम्स अप करिए, बात समझ में आएगी नहीं, कंटेंट कैसा है भैया बता तो दो थोड़ा थम्स अप करके। आइए सर अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, प्रोटोजोआ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर नजर डाल लेते हैं। ट्रिप्नोसोमा जो गैम्बियस अभी पढ़ाया था, प्रोटोजोआ मनुष्य के रुधिर में पाया जाता है, जिसके कारण मनुष्य में रक्त की कमी हो जाती है, हमने की गजबी बात कर दी इसने, जिससे मनुष्य में निद्रा रोग उत्पन्न हो जाता है। साथियों एक एक लाइन लिख करके भैया छांट करके लाया हूं आपके लिए, बताइए इतनी मेहनत। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। भैया प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, नाम पूछा गया था तो हम भी लिख करके लाए प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। देखिए आपको प्रॉपर तरीका से पसीना बहाना पड़ेगा मित्रों, टाइम कम है हमारे पास 2 महीने का, जिसकी वाहक मादा एनफ्लीजा मच्छर होती है। याद रख लेना, मच्छर होती है।
एंड अमीबा जिलजिबेलिस, ये भी पूछा गया था। मनुष्य के दांतों में पायरिया रोग उत्पन्न हो जाता है, पूछा गया था मनुष्य में पायरिया रोग किसके द्वारा, तो याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। उसका नाम क्या है? एंड अमीबा जिलजिबेलिस नाम है। देखिए बायोलॉजी कितना सिंपल, तो भैया कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंटरेस्ट कितना आता है। अब मलेरिया होगा तो आप बता देंगे प्रोटोजोआ के द्वारा, देखिए पायरिया होगा तो आप बता देंगे प्रोटोजोआ के द्वारा, आपको नींद बहुत आने लगेगी तो आपको भैया एकदम लगेगा कि हमें ट्रिप्नोसोम गैम्बियस तो नहीं है जो मनुष्य के रुधिर में भैया कमी हो गई हो। मेरे प्यारे मित्रों सेशन को शेयर कर देना भैया प्लीज। एंड अमीबा हिस्टोलिका से मनुष्य में पेचिस रोग उत्पन्न हो जाता है। एक एक लाइन भैया लिख करके लाया हूं आपके लिए। एंड अमीबा कोलाई मनुष्य की बड़ी आंत में मिलता है। जब पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम बताएंगे भैया क्या होती है छोटी आंत, क्या होती है बड़ी आंत, पिक्चर दिखाएंगे प्रॉपर तरीका से अभी हॉल में ले जा करके। अमीबा का शाब्दिक अर्थ है बदलना। अरे गजब बात कर दी सर, जिसकी खोज रसेल बॉन रोसेनहॉक ने की थी। इन्होंने इसे लघु प्रोटियम नाम दिया था क्योंकि ये अंग्रेजों के एक, भैया कितनी इंटरेस्टिंग चीज छांट छांट करके लाते हैं, अंग्रेजों के एक काल्पनिक देवता प्रोटियम की भांति आकृति बदलता है। क्यों नाम दिया था अमीबा को? क्योंकि ये काल्पनिक अंग्रेजों को देवता थे, इसी की तरीका से भैया बदलते रहते थे, तो इन्होंने इस वजह से नाम दे दिया। इंटरेस्टिंग चीज है भैया, पढ़ लेना बड़े आगे। मेरे प्यारे मित्रों मेटोजोआ या एनिमिलिया संघ आ गया, मतलब सर बहुकोशिकीय संघ आ गया। हमने कहा हाँ एक कोशिकी वाले पढ़ दिए हमने, प्रोटोजोआ में रख दिए। हमने बताया था भैया बहुत सारी सेल होगी जैसे हम हैं, तो इनको हमने रखा है मेटोजोआ या एनिमिलिया। ये कमरा पूरा हॉल घर का नाम है। इस घर में बहुत सारे कमरे बना दिए हैं। ये वाला कमरा भैया अलग है, ये वाला कमरा अलग, ये वाला कमरा अलग। इसमें खाना रखा जाएगा, इसमें भैया बिल्कुल पढ़ने वाली चीज़ें, इसमें सोने वाली चीज़ें, इसमें नहाने वाली चीज़ें, ऐसे भैया ये कमरे बांट दिए हैं बहुकोशिकी वाले को। बताइए मेरे प्यारे साथियों, थम्स अप करिए समझ में आया कि नहीं। आइए पॉरीफेरा संग शुरू करते हैं। पहला भैया क्या होता है सर पॉरीफेरा? हमने कहा बताते हैं ना भी, ये साधारण बहुकोशिकी आ गया कि नहीं बताइए, जलीय जीव होता है। मेरे प्यारे मित्रों एक एक लाइन पढ़ना है। यह संग के जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं। कभी आपने देखा हो जब आप गए हो चट्टानों पर या ठोस जगह पर, जलीय जीव है ये, तो पाए जाते हैं कि नहीं, हम अभी दिखाएंगे कैसे होते हैं फोटो में। इनके शरीर में ऊतक नहीं बनते हैं। मेरे प्यारे मित्रों एक एक लाइन से सवाल पूछा गया है। इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रियम कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कई बार पूछा गया है। सर गजब ही बात कर दी, ये जीव है ना? हमने कहा हाँ जीव तो पढ़ा ही रहे। ये सर इनके छेद पाए जाते हैं, जो छिद्र पाए जाते हैं उनका नाम ऑस्ट्रिया या बड़े वाले को ऑस्ट्रियम कहते हैं, तथा सबसे बड़े छिद्र को ऑस्कलम कहते हैं, इन्हीं छिद्र से जल लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, भोजन इनके शरीर में पहुंचता है। किन की वजह से? इन्हीं छिद्र की वजह से। मेरे प्यारे मित्रों आइए दिखाएंगे अभी। इनका आकार अनियमित होता है, कितना भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है। ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। मेरे प्यारे मित्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि पॉरीफेरा संघ के जितने भी जीव आते हैं वो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं? देखिए पहले तो ये जंतु है सर, समझिए मेरी बात को, जंतु होने के बाद भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता है। ये पूछा जाता है कौन सा समूह है? पॉरीफेरा है। इनमें क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। ये खाना भोजन सांस कहाँ से लेते हैं? छिद्र से लेते हैं। मेरे प्यारे मित्रों बड़े आगे, बिल्कुल संघ पॉरीफेरा के जीवों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया सवाल है भैया, रेड रेड यहाँ कर रखा है, याद रख लेना। क्लायोना स्पंज जहरीली होती है, इसके छूने पर शरीर में खुजली और जलन होती है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। आइए हम एग्जाम्पल बताते हैं। उदाहरण में भैया एक एक डिक्टो एनसीईआरटी से छपे हुए हैं मित्रों, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम्पल साइकन है, यू स्पंजिया है, यू प्लेक्टेला है, स्पंजला है। एक बार में समझ में नहीं आएंगे भैया, कई बार सेशन को देखने के लिए हम मजबूर कर देंगे।
साइकन तो ऐसा दिखता है, आपको तो लग रहा होगा सर गजब का फूल बना रखा है आपने। हमने कहा नाना भैया ये एक जीव है जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता है, इन्हें स्पंज कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी पर छिद्र पाए जाते हैं। सर यू स्पंजिया कैसा होता है? हमने कहा जरा देखिए ऐसा लग रहा है ये तो कोई भट्टा बना दिया है हमने, चिमनी बना दी है, ईंट पकाएंगे सर, ये तो बिल्कुल सर वो लग रहा है हुक्का हमारे बाबा पीते थे। हमने कहा अभी दिखाएंगे ना पिक्चर हॉल में ले जा करके यूप्लेक्टिला सर कैसा होता है। हमने कहा भैया यूप्लेक्टिला ऐसा होता है। अरे सर स्पंजिला कैसा होता है? हमने कहा ये तो बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों को ऐसा लग रहा है सर, ये तो हमने अपने तालाब पर घास देखी तो है, ये कोई जीव है सर, आप गलत पढ़ा रहे हैं। हमने कहा भैया ये जीव है, आप भूल जाते हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने बताया ना आपको आप 10,000 फीस देंगे फिर भी नहीं पढ़ेंगे मित्रों। हमारे प्यारे मित्रों ध्यान रख लेना भैया हम बताएं आपको, थोड़ा आप एक मिनट का वेट करना मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर तरीका से क्या दिखाऊंगा भैया, आपको हम पिक्चर हॉल में ले चलते हैं थोड़ा, ठीक है। आइए सर चर्चा कर लेते हैं पौरीफेरा संघ की। देखिए मेरे प्यारे साथियों ये मानव आया दौड़ करके, भैया ये है अभी दिखाया था हमने, क्या दिखाया था भट्टा, देखिए हमने आपसे प्रॉमिस कर दिया है तो पूरा जरूर करेंगे। ये लेकर आया भैया सरंज में कुछ चीज लेकर के, अब ये कैसे छिद्र होते हैं इनकी बॉडी पर जरा देखिए, ये दिखाएगा अभी सेशन कैसा लग रहा है तो दम लगा करके शेयर तो कर दो। ये जीव है भैया एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता है, आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो बायोलॉजी में, वो कह रहा है देखिए उंगली से यहां से निकलेगा अभी, देखिए भैया चलने लगा भट्टा, हमारे बाबा जिस तरीका से पीते हैं हुक्का, बताओ भैया थम्स अप कर दो, कैसा लग रहा है सेशन दम लगा करके कर दो शेयर मेरे प्यारे साथियों। इतना सिंपल तरीका से भैया देखिए, अब क्या पौरीफेरा बोलेंगे कभी आप? अरे सर इसी वजह से स्पंज कहते हैं क्योंकि पूरी बॉडी में इनके छिद्र होते हैं, यदि छिद्र नहीं होते तो ये बताइए कहाँ डाला था इसने और निकला कहाँ से है भैया, ये बड़ा वाला जो है ना ये इसका मुंह भट्टा वाला, इसी को हम ऑस्कलम कहते हैं, छोटे वालों को तो ऑस्ट्रिया कहते हैं, इन्हें ऑस्कलम कहते हैं। बताइए मेरे प्यारे साथियों निकल रहा है कि नहीं, अब तो थम्स अप बनना चाहिए भैया। देखिए आप बायोलॉजी पढ़ने के लिए इतना कहते हम क्यों पढ़े भैया, देखिए ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, साइंटिस्ट कितना भैया दिन रात पढ़ते हैं, हम छोटा सा एग्जाम निकालने के लिए कितनी बार सोचते हैं, अब तो दिख गया बड़े आगे, देख लो भैया आराम से तसल्ली से मज़ा आ रहा होगा आपको वाकई में, मैं सारी वीडियो दिखा देता बट अब देखो बड़ा वाला भट्टा लेकर के आ गया भैया, ये इसमें देख लीजिए थोड़ा, पर ऐसा है हम सारी वीडियो दिखाएंगे सेशन लंबा होगा, बहुत सारे साथी आएंगे और 2 घंटा है इसमें तो पहले से ही नहीं देखेंगे भैया, मैंने कभी प्रॉपर तरीका से नहीं देखा है कि मेरे सेशन पर कितने व्यू आए मित्रों। मैं आपके लिए दिनों रात मेहनत अपना 100% देता हूँ, जो भी होगा परिणाम अब नहीं दिखा भैया तो आप कभी पौरीफेरा याद नहीं कर सकते हैं, गारंटी है इस बात की। देखिए इसकी बॉडी पर कितने छिद्र पाए गए हैं, ये वाला ऐसा लग रहा है ये सर जंतु है क्या, कोई भट्टा बना रखा है ईंट का। हमने कहा वो आपके सामने है भैया देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, बताइए थम्स अप करिए, ये बात समझ में आई कि नहीं, बढ़ जाए आगे। बिल्कुल ये था कहानी भैया, हमने आपको प्रॉपर तरीके से बता दी। अब आगे ग्रुप आता है सिलेंटेटा भैया, सिलेंटेटा को प्रवाल जंतु कहते हैं। सर ये तो पढ़ा है ना, इसे छोड़िए, हमने करना ना पढ़ा दे रहे हैं ना, बहुत सारे साथियों ने नहीं पढ़ा है। अरे सर देखा तो है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सुना है, वो इसी जीव के ऊपर तो है, हमने कहा तो पढ़ा दे रहे हैं थोड़ा बहुत। इसका नया नाम नेडेरिया भी है, ये तो कई बार पूछा गया है मित्रों। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं, इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है, एक एक बात को भैया नोट लिख लेना, इन जंतुओं में रक्त नहीं होता है फिर भी ये श्वसन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज लिख दी है मेरे प्यारे साथियों। देखिए सिलेंटेटा ग्रुप में रक्त न होने के बावजूद भी ये श्वसन की क्रिया करते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, इन्हें निडेरिया भी कहते हैं, ठीक है सर। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता है। सिलेंटेटा कैसे होते हैं सर? हमने कहा अभी तो पढ़ते चलो ना, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना होगा जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, इसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा, ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि नहीं बताइए, ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित करते हैं इसी से उसका निर्माण होता है।
लक्षद्वीप का निर्माण बताया मूंगे से हुआ है, जो इसी संघ का जीव है मेरे प्यारे मित्रों। अब तो याद आ गया होगा, सिलेंट्रेटा तो कई बार पढ़ा है। हाइड्रा में अमृत का गुण पाया जाता है। अब देखिए, आपने तो मानव देख लिया है, घोड़े देख लिए, कुत्ते देख लिए, छिपकली देख ली, कीड़ा देख लिया। यहाँ तक आने के बाद पहले छोटे छोटे जीवों को कहाँ रखा गया है, तो याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों। ऐसे लग रहा है ना, पेड़ पौधे से ये जीव है, इनको कौन कौन से ग्रुप में रखा गया है, मानव का नंबर तो बाद में आएगा। हाइड्रा में अमृत का गुण पाया जाता है। हाइड्रा याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, पूछा जाता है, सिलेंट्रेटा ग्रुप का समूह है, अर्थात हजारों वर्ष तक जीवित रहने वाला जीव है तथा ये मीठे जल में पाया जाता है। इसकी खोज लीवेनहॉक ने की थी, ये भी पूछा गया है। आइए उदाहरण बता देते हैं हम सिलेंट्रेटा ग्रुप के, हमारे बहुत सारे मित्र जानते। देखिए, एक तो हाइड्रा दिखा है, सर होता कैसा है, हमने की देख लीजिए भैया, हाइड्रा ये है, इसकी खोज लीवेनहॉक ने की, मीठे जल में पाया जाता है। ऑरेलिया दिख रहा है, सर ये तो कोई छतरी सी बना रखी है, हमने कहा भैया जीव है, याद रख लेना, ऑरेलिया नाम है इसका, पूछा जाता है। मेरे प्यारे मित्रों बढ़ जाए आगे, इसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, याद रख लेना साथियों। ये ऑरेलिया सिलेंट्रेटा ग्रुप का समूह है, बट ये जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, ध्यान रख लेना मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज लिख करके लाया हूँ, ये मछली नहीं है, घुमा देगा एग्जामिनर आपको, बताइए निम्न में से जेलीफिश है, तो आप तो तुरंत लगा देंगे, वो ए ऑप्शन में ही रख देगा, क्या फिश है, फिश नहीं है, ये सिलेंट्रेटा ग्रुप का समूह है, इसमें रक्त नहीं पाया जाता है, ये ऑरेलिया का है भैया, ऑरेलिया कहते हैं। एनीमोन क्या होता है सर, हमने कहा पूछा गया था कि सिलेंट्रेटा ग्रुप का बताइए निम्न में से एनीमोन किस संघ का समूह है, तो बता देना ये समुद्री तो जल में पाया जाता है, आपको पता है सारे समुद्र में ही पाए जाते हैं, तभी तो ग्रेट बैरियर रीफ थी, एनीमोन नाम है। मूंगा तो आपने देखा है, जहाँ अपना लक्षद्वीप इन्हीं पर बसा हुआ, जिन्हें कोरल कहते हैं। हाइड्रा, ऑरेलिया, एनीमोन, मूंगा कई बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। इन जीव से ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर द्वीप तथा भारत में लक्षद्वीप का निर्माण इन्हीं के कारण हुआ है। ये ऑरेलिया याद रख लेना, इसे जेलीफिश कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों आगे बढ़ते हैं प्लेटे हेलमिंथीज पर। भैया प्लेट माने होती है अपनी, प्लेट नहीं होती है, चपटे कृमि होते हैं। अरे सर चपटे कृमि कैसे, हमने कहा बताते हैं ना, वे जंतु जिनका शरीर चपटा या फीते के नुमा होता है, इस संघ में शामिल किए जाते हैं। इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होती है, किसमें सर, प्लेटे एलमेंथीज में, इसीलिए ये सभी जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं। बताइए मेरे प्यारे मित्रों, जब हमारे अंदर, हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, हमारे अंदर भोजन करने के लिए पूरा आहार सिस्टम नहीं होगा, तो हम भैया किस पर, दूसरे पर आश्रित होंगे कि नहीं, सिंपल सा है सर। हमने कहा इसी वजह से प्लेटे हेलमिंथीज में आहार नाल नहीं पाई जाती, तो भैया दूसरों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं, दूसरे पर भोजन करेंगे। सर मतलब परजीवी कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, ठीक है सर। ये सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु, जंगली जंतु में आश्रय हुए हैं भैया, अपने शरीर से भोजन लेंगे, पशुओं से भोजन लेंगे, इन्हीं की सतह से अपना खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं, सिंपल है। एक एक बात समझ में आ रही होगी मित्रों को, आइए एग्जाम्पल पर बात करते हैं। प्लेनेरिया इसका उदाहरण बहुत अच्छा है, देख लीजिए फोटो भैया, लिवर फ्लू इसका उदाहरण बहुत अच्छा है मेरे प्यारे मित्रों। फेसियोला आपने देखा होगा, ऐसी जोंक सी नहीं लगती है, हमने कहा वो इसी का समूह है मेरे प्यारे साथियों। टैप बर्म इसका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये देखिए फोटो, टिनिया सोलियम भैया, ये किसके उदाहरण हैं, याद रख लेना, ये प्लेटे हेलमिंथीज हैं, ये चपटे कृमि के हैं, चपटे दिख रहे हैं कि नहीं, बताइए, चिपके होते हैं। ये वाली जो मैंने आपको जोंक दिखाई, हमारी भाषा में से फेसियोला को जोंक कहते हैं, इसे भैया याद रख लेना प्लेटे हेलमिंथीज में रखा गया है। इंटरेस्ट करिए, कभी आपको जोंक दिखती है तो आप बता देंगे ये प्लेटे हेलमिंथीज, क्योंकि ये चपटा है, चपट जाता है आकर के, ये ऐसी जोंक आपने नहीं देखी है, बताइए मेरे प्यारे साथियों, ये प्लेटे हेलमिंथीज में रखे गए। बड़े आगे, बिल्कुल आइए सर आगे, एस के हेलमिंथीज, जिसे निमेटोडा भी कहते हैं। सर ये क्या होता है, हमने कहा एस्क का मतलब होता है गोल तथा मिंथीज का मतलब होता है कृमि, अर्थात संपूर्ण गोल कृमि होते हैं सर, हमने कहा हाँ गजब बात कर दी, पूरा का पूरा गोल सिस्टम होगा इनमें, हमने कहा भैया बताएं थोड़ा, इन्हें राउंड वॉर्म कहते हैं, गोल कृमि भी कहते हैं। ये जीव आकार में तो गोल होते हैं, साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। मेरे प्यारे मित्रों आप बताइए,
जो मैंने अभी फेशियोला बताया, जिसे जोंक कहते हैं अपनी भाषा में, गांव की में, हमारे यहाँ जोंक कहते हैं। जोंक दूसरे पर लग करके ही तो अपना भोजन करती है, बताइए क्यों करती है? जब उसके अंदर स्वर आहार नाल नहीं है तभी तो वो परजीवी है। हमने कहा इनके अंदर, मेरे प्यारे साथियों, ये स्वतंत्र जीवी है तो आहार नाल भी होगा, परजीवी भी है, तो दोनों सिस्टम हो सकता है, ठीक है ना। इनको भैया एस के हेलमिंथीज में रखा गया है। देखिए मानव शरीर देखते हैं ना, उससे पहले कुछ ज्ञान ले लीजिए आप। छोटे छोटे जीव जंतु देखते हैं, कहाँ रखोगे भाई आप? मतलब इस समूह के कुछ जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं, कुछ स्वतंत्र भोजन बना लेते हैं, ठीक है। उदाहरण बताएं मेरे प्यारे मित्रों, आइए चर्चा कर लेते हैं। एस्केरिस थ्रेडवर्म इसका उदाहरण बहुत अच्छा है। सर ये नाम कहाँ से ले आते हो भैया? हमने कहा हम भी भैया एनसीईआरटी से छाप करके लाए, हम कोई मंगल ग्रह से आए, बताइए। मनुष्य की आंत में पाया जाता है। अरे सर गजब बात कर दी, मनुष्य की आंत में पाया जाएगा? हमने कहा हाँ, जिससे एस्केरिस रोग उत्पन्न हो जाता है, बताएंगे सर। बुचेरिया देखा हुआ आपने ऐसे भैया? बिल्कुल, सारे जीव देखे हैं आपने। इसके द्वारा मनुष्य में फाइलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। और भैया लो लो ये भी याद कर लेना, ऐसा फोटो है। और ट्रिकीरियस भैया याद कर लेना, ऐसा है। ये उदाहरण डिक्टो पूछे जाते हैं। बुचेरिया तो कई बार पूछा गया है, एस्केरिस थ्रेडवर्म बहुत बार पूछा गया है। किस संघ का समूह है? तो एस्के हेलमिंथी समूह का है। आगे बढ़े मेरे प्यारे मित्रों, एनिलिडा संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिनिड माने होता है, ये एनल्स का मतलब है छल्ला, तथा एलईडी का मतलब है मेरे प्यारे मित्रों बनावट। अच्छा सर, ऐसे जंतु जिनका शरीर छल्ले नुमा तथा खंड युक्त बना है। एक एक बात प्रॉपर तरीका से समझाऊंगा मेरे प्यारे साथियों। क्या बात हुई? जिनका शरीर खंड जैसे, मतलब छल्ला जैसे पड़े होंगे, उनको भैया इकट्ठा कर करके जिस कमरा में रखा जाएगा उसका नाम एनिलिडा होगा। हम तो सिर्फ आज ये पढ़ा रहे हैं जीवों को कमरे में इकट्ठा करना। आइए सर चर्चा कर लेते हैं। ये प्राणी जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं, स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं। इनका शरीर खंडों में बटा रहता है। सर कैसे है आपने बता दिया? हमने कहा अभी हम फोटो दिखाएंगे, आप बता देंगे प्रॉपर तरीका से। मित्रों आप जब भी जीवों को देखें तो आप नाम याद करें, याद हो जाएगा। इन जंतुओं में विकसित देह गुहा पाई जाती है। इनके शरीर पर सूक या सीटी पाई जाती है, जिन्हें सीलिया कहते हैं। याद करिए मैंने जब कोशिका पढ़ाई थी तब सीलिया बताया था भैया, जिनसे वे गमन करते हैं। मतलब सर ये चल भी सकते हैं? हमने हाँ, अब चलने पर आ गए, अब धीमे धीमे। देखिए पहले बिल्कुल ऐसे जीव पड़े थे जो चल नहीं सकते थे, अब पड़ रहे हैं चलने वाले, ठीक है। इन संग के जीव श्वसन त्वचा द्वारा करते हैं। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी एनिलिडा संग में जो भी जंतु आते हैं वो श्वसन की क्रिया अपनी त्वचा के द्वारा करते हैं। आइए सर क्या है? इस संघ के जीव उभयलिंगी होते हैं। मतलब सर ये उभयलिंगी की क्या बात आ गई? हमने कहा अर्थात एक ही शरीर में नर एवं मादा पाए जाते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, जब आपने सबसे पहले पॉरीफेरा पढ़ा था वो भैया छिद्र पाए जाते थे, ठीक है सर। हमने कहा वो तो जा ही नहीं सकता था एक स्थान से, ये तो चल भी सकते हैं और ये भैया बिल्कुल ये जनन प्रक्रिया भी कर सकते हैं। सर फिर क्या ये अलग होता है? हमने कहा ना ना ना, उभयलिंगी एक ही बॉडी में अलग, आदि में नर होता है आदि में मादा होता है, दोनों भैया आराम से जनन प्रक्रिया करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों जैसे उदाहरण बताएं, केंचुआ है, याद रख लेना, आपने केंचुआ देखा हो तो ये छल्ले नुमा होता है, गांठ युक्त होता है। ये केंचुआ कभी भी अलग आप नहीं देखा होगा कि ये केंचुआ नर है ये केंचुआ मादा है। हाँ सर ये बात आपने सही बताई। हमने कहा एक ही केंचुआ में नर और मादा दोनों होता है, वो जनन प्रक्रिया की इसी वजह से इन्हें उभय लिंगी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, एक एक शब्द से सवाल पूछे जाएंगे। फिर आप कहेंगे सर इतना डिटेल पढ़ा रहा हूँ इसी वजह से एक सवाल ना छूट जाए। केंचुआ को अर्थवॉर्म कहते हैं, केंचुआ में एक भी आंख नहीं पाई जाती है। मित्रों ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया है, केंचुआ में कोई आंख नहीं होती है। केंचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं, पृथ्वी का हलवा कहते हैं, पृथ्वी की आंत कहते हैं, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहते हैं। केंचुआ के कितने नाम बता दिए? केंचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्थुआ है, याद रख लेना। मित्रों ये सारे सवाल एग्जाम में छपे हुए हैं, मैं आपके लिए लिख करके लाया हूँ, याद करिए। केंचुआ में कोई आंख नहीं होती है, केंचुआ किसानों का मित्र होता है,
पृथ्वी का हलवा, पृथ्वी की आंत, उर्वरता का बैरोमीटर। सर एक बात बताओ पहले, हमने हाँ पूछिए, ये जो केंचुआ पढ़ा रहे ना किसानों का मित्र कैसे है, हमने कहा बताएं, प्रूफ करें, बताओ। केंचुआ आपने जब भी देखा हो, सर आपने जब खेत में गए हो बारिश के मौसम में, मेरे प्यारे मित्रों, तो केंचुआ जमीन के अंदर जाता है, देखा हो आपने, बताओ। जब वो केंचुआ जमीन के अंदर कई मीटर तक जाता है साथियों, ये गहरी जुताई कर देता है, जमीन में पुलाई कर देता है। मेरे प्यारे मित्रों, पृथ्वी का हलवा, पृथ्वी में सबसे उपयोगी जंतु केंचुआ है, क्योंकि पृथ्वी में बहुत सारे तत्व मिला देता है, अंदर तक भैया मुलायम जमीन को कर देता है। देखा है कि नहीं, बताइए थम्स अप करिए इस बात को मेरे प्यारे साथियों। इसी वजह से किसानों का मित्र, जिस खेत में केंचुआ वहां ज्यादा होते हैं ना, बहुत अच्छी फसल होती है, क्योंकि अंदर तक पुलाई हो जाती है। जोंक आपने देखा है, बताइए मेरे प्यारे मित्रों, जो फेसियोला था वो अलग तरीका की जोंक थी, आपने देखा होगा, ये जोंक काली वाली अलग है, ये भैया जोंक मेरे प्यारे मित्रों खंड जैसी होती है कि नहीं, बताइए। इसे किस संघ में रखेंगे, हमने कहा यही पढ़ा तो रहे भैया हम संघ आपको। मेरे प्यारे मित्रों, कांतर देखी है कि नहीं, बताओ। ये छोटे छोटे जीव नहीं पढ़ोगे तो भैया क्या पढ़ोगे, बताओ। ये तो आपके चर्चा में है सारे जीव, आपको पता होना चाहिए इनको किस संघ में रख रहे हैं। कांतर भैया खंड युक्त होती है, इनको भी इसी संघ में रखा जाता है। मेरे प्यारे मित्रों आइए, ये एनिलिडा संघ पढ़ा हमने, ये सारा का सारा जितने भी खंड युक्त होंगे एनिलिडा में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आर्थोपोडा संघ आता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना भी प्राणी आप देखते हैं, ये भी प्राणी है, केंचुआ कांतर सब, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ पूछा गया था तो आर्थोपोडा संघ है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। पृथ्वी पर लगभग दो तिहाई हिस्सा तो आर्थोपोडा ही पाए जाते हैं, याद रख लेना। इस संघ के जंतु जल में भी पाए जाएंगे, थल पर भी पाए जाएंगे, वायु में भी पाए जाएंगे, भैया ये तो अंतर्यामी है, सब जगह पाए जाएंगे, तीनों जगह पर पाए जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इन सभी जीवों का शरीर तीन भागों से मिलकर बना होता है। देखिए पहले तो हमने ऐसा जीव पढ़ा था, आप सोचिए थोड़ा, इमेज करिए, हम कहाँ से लेकर के कहाँ लेकर के जा रहे हैं, आपको इतना ज्ञान फ्री में बांट रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, समझने वालों के लिए सारा काफी होता है। पहले तो ऐसा जीव पढ़ा वो बिल्कुल नहीं चल सकता था, ऐसा लग रहा था घास पड़ रहे हैं हम बिल्कुल, भैया बताइए थम्स अप करिए मेरे प्यारे साथियों। अब हम कहाँ पर आ गए, आर्थोपोडा पर आ गए, जो प्राणियों का सबसे बड़ा संघ है। आपने कभी देखा था, बताओ, केंचुआ को किसमें रखें, जोंक को किसमें रखें, कांतर को किसमें रखें। अब भैया ऐसे जीव पर आ गए जिनका सिर भी होगा, बच्छ भी होगा, उदर भी होगा। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, इसी आर्थोपोडा संघ में कीट वर्ग भी शामिल है, ये तो इतनी बार पूछा गया है भैया, हम बता भी नहीं सकते आपसे। आर्थोपोडा में कीट वर्ग भी आता है, सर क्या रॉकेट साइंस कर दिया आपने, बताओ कीट वर्ग आ गया तो, हमने कहा आप भूल जाएंगे, बताएं हम आपको, याद रख लेना। उदाहरण पहले बता रहे हैं, अभी बताएंगे कीट वर्ग में क्या होता है। बिच्छू देखा है आपने, हाँ सर देखा है, हमने कहा भैया बिच्छू कभी जमीन के अंदर भी होता है तो कभी बाहर भी आ जाता है, तो ऐसी चीज भी पड़ी होगी, कभी ऊपर भी आती होगी, इसी वजह से ये अंतर्यामी है आर्थोपोडा, सब जगह पाए जाते हैं भैया। और आपने देखा भी होगा बिच्छू, झींगा, मकड़ी, याद रख लेना, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरेच, तितली, तिलचट्टा, ये सब आर्थोपोडा संघ में आते हैं। कितना ज्ञान फ्री में बांट रहे हैं मित्रों, इतना ध्यान रख लेना। अब कीटों में तीन जोड़ी टांगे होती हैं, मतलब छह टांगे होती हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मकड़ियां कीट वर्ग में नहीं आती हैं, याद रख लेना, क्योंकि मकड़ियों के आठ पैर होते हैं, कीट वर्ग में छह पैर वाले जंतु आते हैं भैया। अब आपके ऊपर है, आप इसे कितने अच्छे तरीका से समझते हैं भैया, ज्ञान हमने पूरा प्रॉपर तरीका से बांट दिया है। इनके उदाहरण हम क्या बताएं, बताओ, बिच्छू आपने देखा है, झींगा आपने देखा है, मकड़ी, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरेच। बहुत सारे मित्र कह रहे होंगे सर यहाँ मकड़ी रखा है, हमने कहा छह टांग वाली है ना वो। आइए सर मोलस्क का समूह पर आते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आर्थोपोडा संघ के बाद जंतु का सबसे बड़ा संघ मोलस्क का संघ है, याद रख लेना। सेशन लंबा है भैया हमारा प्रॉपर तरीका से, बट एक में ही खत्म करेंगे। इन जीवों का शरीर देखो, हम भी छोटा वीडियो बनाना जानते हैं, 10-10 मिनट का नहीं बनाते हैं, हमारा अलग हिसाब है, हमने बताया पहले ही, किसी को देखना है देखिए। आर्थोपोडा संघ भैया जंतु का सबसे बड़ा संघ मोलस्का के बाद है। मेरे प्यारे मित्रों, आर्थोपोडा के बाद मोलस्का सबसे बड़ा है।
इन जीवों का शरीर मुलायम होने के कारण इन्हें मोलस्का कहते हैं। अच्छा सर, अब शरीर मुलायम आने लगा? हमने कहा हाँ, देखते रहिए, सोचिए थोड़ा। इस संघ के अधिकतम जीव समुद्री होते हैं। अरे सर, कुछ स्वच्छ जल में और स्थल में भी पाए जाते हैं। इन जीवों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। पहले तो त्वचा के द्वारा होता था, अब गिल्स पर आने लगे। उदाहरण बताए ना मित्रों, देखिए ऑक्टोपस देखा है कभी? डेविल फिश कहते हैं। पूछा गया था क्या डेविल फिश एक फिश है क्या? हमने कहा भैया ये ऑक्टोपस है, फिश नहीं है। सीपिया जिसे कटल फिश कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये फिश बहुत चक्कर कर देगी आपका। सिप देखिए। और भैया हेलियोटिस कई बार पूछा गया था, बताइए हेलियोटिस किस संघ का समूह है? तो मोलस्का संघ का है। बताइए बालू वालू में आपने ऐसा जीव देखा है कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों? मैंने तो बहुत बार देखा है, आप बताइए ऐसा देखा है कि नहीं? और ये वाला तो आपने प्रॉपर तरीका से देखा होगा, जैसे घोंगा कहते हैं, पायला कहते हैं, ये मोलस्का संघ का जीव है भैया, ये मुलायम सर कहेंगे आप, ये तो बहुत कठोर होता है। हम ना ना ना, गलत पढ़ लिया भैया आपने, वो मुलायम ही माना जाएगा, ये तो देखा है ना प्रॉपर तरीका से, बताइए। अब दिख जाएंगे तो आप बता देंगे ये मोलस्का संघ के हैं। मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा आता है मेरे प्यारे मित्रों। इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। अरे सर गजब बात कर दी। इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं भैया, इकाइनोडर्मेटा। इन संघ के जंतुओं में आहार नाल तंत्र पाया जाता है। सुन ले भैया, आहार नाल आने लगा, अब आराम से भोजन बना लेंगे, लेकिन उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। सर क्या होता है उत्सर्जन तंत्र? हमने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो, परिवार में आने के बाद पढ़ाएंगे ना क्या होता है, सब पढ़ाएंगे। इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। मित्रों याद रख लीजिए, एनीलिडा जब पढ़ाया था, केचुआ पढ़ाया था, तब नर और मादा एक ही प्राणी में थे। कितना इंटरेस्टिंग चीज है, आधे में नर होगी आधे में मादा होगी, दोनों जनन प्रक्रिया कर लेंगे। इकाइनोडर्मेटा जैसे ही संघ समूह आया, वैज्ञानिकों ने कहा भैया यहाँ तो नर अलग मिलता है मादा अलग मिलती है, इसका नाम परिवार का अलग रखो भैया, इनको इकाइनोडर्मेटा में रखते हैं। इसमें नर और मादा अलग अलग है, इसीलिए इनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। आप सब जानते हैं क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, उदाहरण बताएं हम भैया एस्टेरियस, ये तो इतनी बार पूछा गया है मित्रों, इसे स्टार फिश कहते हैं इंग्लिश में। आग लगा दो भैया, स्टार दिख रहा है, ये फिश नहीं है, समुद्र में पाया जाने वाला है बट फिश नहीं है। द्वारा सुने, ये भैया एस्टेरियस है मित्रों, इकाइनोडर्मेटा संघ का समूह है मेरे प्यारे मित्रों, ये मछली नहीं है। एग्जामिनर आपको गुमराह कर देगा, भूल जाएंगे आप। समुद्री अर्चिन जिसे इकाइनस कहते हैं, देख लीजिए भैया कांटे प्रॉपर तरीका से इनकी बॉडी पर पाए जा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। समुद्री खीरा इकाइनोडर्मेटा संघ का समूह है, ये कई बार सेशन आपको देखना पड़ेगा, मुझे आशा है भैया देख लेना, रिकॉर्ड हो चुका है मेरे प्यारे मित्रों। ब्रिटल स्टार भी एक बार पूछा गया था तो हमने लिख दिया है, सारा नान्थ की क्लास से उठा करके डिक्टो भैया हमने पेस्ट कर दिया है, क्योंकि हम भी कोई मंगल ग्रह से नहीं आए। याद रख लेना नीचे भैया जो येलो कलर में लिख दिया है, ध्यान रहे इन सभी के नाम मछलियों से मिलते हैं, लेकिन ये मछलियां नहीं है। एग्जामिनर गुमराह कर देगा मित्रों, ये से कि स्टार फेस समुद्री अर्चन ये सब मछलियों से इसके नाम मिलते हैं, ये मछलियां नहीं है। आइए मेरे प्यारे मित्रों, लास्ट संघ समूह है जिसे हम कॉर्डेटा संघ कहते हैं। सर ये क्या है? हमने कहा ये तो एक संघ काफी बड़ा महत्वपूर्ण संघ है। सर गजब बात कर दी, इस संघ में कछुआ भी पाया जाएगा, मछली पाई जाएगी, सांप पाया जाएगा, तोता पाया जाएगा, चीता पाया जाएगा, मनुष्य पाए जाएंगे, बकरी घोड़ा हाथी सब आते हैं भैया। देख लीजिए सबका मतलब वो नहीं जो छोड़ रखे वो भी आएंगे, ऐसा नहीं है। ये कछुआ मछली सांप तोता ये सब कॉर्डेटा संघ में आते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रख लेना चाहिए। कॉर्डेटा वर्ग को समझने के लिए इसे छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। क्यों सर? मछली को अलग रखेंगे? हमने कहा हाँ ये बात भी सही है। पहला आता है मत्स्य वर्ग, देख लीजिए कॉर्डेटा को अलग बांट दिया है। फिर भैया इसे उभयचर वर्ग आएगा, फिर एम्फीबिया कहते हैं, सरीसृप आएगा, रेप्टिलियन आएगा मेरे प्यारे मित्रों, उसके बाद पक्षी वर्ग आता है, उसके बाद भैया स्तनधारी वर्ग मेमेलिया वाले आते हैं, मेमेलिया संघ स्तनधारी वर्ग मेमेलिया को कहते हैं, ध्यान रख लेना चाहिए। ये पांच ग्रुप में और बांटा गया है।
सर ये क्या है? हमने कहा फोटो देख लीजिए भैया, ये सभी इसी में आते हैं, कॉर्डेटा संघ में। मेरे प्यारे मित्रों आइए मत्स्य वर्ग पर चर्चा करते हैं। देखिए पूरा ज्ञान बांट दिया है मैंने, फिर आप मत कहना क्या रह गया क्या छूट गया। कैसा लगा है सेशन आपके ऊपर है, सेशन को शेयर करना है क्या करना है। इसके अंतर्गत मछलियां आती हैं मत्स्य वर्ग में, कॉर्डेटा संघ में भी आती हैं। श्वसन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा करते हैं, ये असमतापी होती हैं, इनका हृदय द्विकक्षी होता है। मतलब सर असमतापी मतलब इनका भैया जो टेम्परेचर है ना असमतापी अनियमित है भैया। ये कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल केवल अस्थि का बना होता है। पढ़ना है आपको ज्ञान सारा। उदाहरण शार्क में कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती, ये कई बार सवाल पूछा गया है, शार्क में कोई हड्डी नहीं होती, इसे डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। हिम्पोकैम्पस जिसे दरियाई घोड़ा कहते हैं, यह एक समुद्री मीन है, जिसे अश्वमीन या समुद्री घोड़ा सी हॉर्स कहा जाता है, विश्व की सबसे धीमे चलने वाली मछली है। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रख लेना चाहिए, दरियाई घोड़ा कोई घोड़ा नहीं है मछली है, यही तो आप भूल जाते हैं। दरियाई घोड़ा आया, अरे सॉरी दरियाई घोड़ा घोड़ा है, अरे नहीं भैया घोड़ा नहीं है, ये समुद्री मछली है जिसका नाम हिम्पोकैम्पस है, इसे दरियाई घोड़ा कहते हैं, विश्व की सबसे धीमे चलने वाली और मतलब मछली है। ध्यान रख लेना चाहिए, ध्यान रहे कि समुद्री घोड़ा एक मछली है, जबकि समुद्री गाय समुद्री से एक मैमल स्तनपाई है। ये लाइन भैया समझ लेना और लिख लेना, द्वारा सुन लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्री गाय समुद्री सिंह एक मैमल स्तनपाई है। गैम्बूसिया, सर गैम्बूसिया को मॉस्क्यूटो फिश भी कहते हैं। आप सर आपके ऊपर से निकल रहा होगा बहुत सारे साथियों के, मुझे पता है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। इसे तालाबों और दो बार तो देखिए कुछ तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण किया जाता है। एक बार सवाल पूछा गया था कि मच्छरों पर किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, तो गैम्बूसिया के द्वारा किया जाता है, जो मत्स्य वर्ग का प्राणी है। पासाड़ मछली, ये सारे सवाल भैया डिक्टो छपे हैं, जब प्रिंट सेट लगाएंगे तब कहेंगे सॉरी ये तो भूल गए। सबसे विषैली मछली पासाड़ मछली कहलाती है। गैम्बूसिया कुआ में छोड़ा जाता है। हिम्पोकैम्पस दरियाई घोड़ा है। समुद्री गाय समुद्री सिंह एक स्तनपानी मैमल जीव आते हैं। इसके अलावा अन्य उदाहरण क्या है, फ्लाइंग फिश, कॉड, तारपीडो, कतला, स्टिंगरे, लेबियो, रोहिता, एक्सोसीटस, उड़न मछली कहते हैं इसे एक्सोसीटस को, एनाबास, क्लाइंबिंग पर्च है, इस वर्ग के जंतु हैं। इंपॉर्टेंट टर्म में क्या है, रोहू मछली का पूरा नाम लेबियो रोहिता है। पूछा गया था लेबियो रोहिता ये मछली है ना, इसका भैया पुराना नाम रोहू था, जो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ध्यान रख लेना। तार पीड़ों को इलेक्ट्रिक रे उत्पन्न करने वाली मछली कहा जाता है। डॉग फिश या स्कॉलियोडोन को सार्क के नाम से जाना जाता है, जो सबसे मछली वर्ग में सबसे बुद्धिमान मछली मानी जाती है। मेरे प्यारे मित्रों आइए उभयचर पर चलते हैं। इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम एम्बिफिया या उभयचर दिया गया है। सर उभयचर का मतलब कॉमन है, ये जल में भी पाए जाएंगे और स्थल पर भी पाए जाएंगे। इनके शरीर पर सल्क बाल पंख नहीं होते, पर इनकी त्वचा काफी चिकनी होती है। इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा से सांस लेते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। जैसे मेढक है, हाइला है, ये त्वचा से ही सांस लेते हैं। हाइला को वृक्ष मेढक भी कहा जाता है, याद रख लेना। सरीसृप में आएंगे, ये सामान्यतः स्थलवासी होते हैं। सरीसृप तो आप जानते हैं जो रेंगने वाले होते हैं। इस पर इस वर्ग के कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं। सभी जंतु अनियमित तापी होते हैं। मेरे प्यारे मित्रों अनियमित तापी का मतलब है अनियंत्रित ताप ये स्टोर कर ले सकते हैं, और ये डिटेल में कभी बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों। कछुआ, घरेलू छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर, रेंकरो, उड़ने वाली छिपकली होती है, ये सब अनियमित तापी होते हैं, सरीसृप वर्ग में आते हैं। मेरे प्यारे मित्रों ठीक है बढ़े आगे। पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग में क्या आता है, इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाले पक्षी प्राणी आते हैं। इस वर्ग के जंतु नियत तापी होते हैं। देखिए अनियमित तापी और नियमित तापी में अंतर आप समझ चुके हैं। ये नियत ताप कंट्रोल कर पाएंगे, ज्यादा गर्मी पड़ेगी नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे मित्रों। देखिए पक्षी घोंसला बनाते हैं, और ये अनियमित तापी क्या है, ये हर टेम्परेचर में रह सकते हैं, गर्मी पड़े तो सर्दी पड़े तो, सिंपल तरीका ये है। इनका शरीर तीन भागों में विभाजित होता है, सिर गर्दन धड़, जैसे कबूतर है, मोर है, तोता है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है। इंपॉर्टेंट टर्म में क्या है, ऑस्ट्रिच एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है, जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रॉपर कितना टाइम लगा है जब मैं इतना स्पीड से पढ़ा रहा हूँ।
कीवी भी एक दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एप्टेरिक्स है। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित है, जबकि हमिंगबर्ड गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है। या छोटा होगा मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रख लेना, गुंजन पक्षी एक मात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आबाबील, मेरे प्यारे मित्रों, जो आप स्विफ्ट गाड़ी देखते हैं ना, स्विफ्ट डिजायर जिसकी बात करते हैं, वो अबाबील से ही लिया गया था टर्म है ये स्विफ्ट। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, इसी वजह से कहते हैं ना स्विफ्ट गाड़ी। स्विफ्ट भैया इसी पक्षी के नाम से लिया गया था, याद रख लेना। जब भी आपकी ख्वाहिश पूरे हों, स्विफ्ट गाड़ी आप लेने की बात करें तब। सभी पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है, जबकि सबसे छोटा हमिंग बर्ड का होता है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, हमिंग बर्ड को ही गुंजन पक्षी कहते हैं, ये पीछे की ओर उड़ता है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेटस है, याद रख लेना। बहुत सारी चीजें भैया हमने ज्ञान बांट दिया है। स्तनधारी वर्ग की बात करें, इसी वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित या समतापी होते हैं। सर समतापी क्या है? हमने कहा भैया ये समान तापी स्टोर कर सकते हैं। स्तनधारी मतलब हम भी आते हैं, सर्दियों में सर्दी लगती है, गर्मियों में गर्मी। स्तनधारी वर्ग को तीन उपवर्ग में बांटा गया है। देखिए कॉर्डेटा को पांच में बांटा गया था, फिर स्तनधारी को तीन में बांटा गया है। हमने कहा कैसा? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। ये डाटा कहीं नहीं मिलेगा। प्रोटोथीरिया सर ये क्या होता है? हमने कहा ऐसे स्तनधारी। स्तनधारी कौन से होते हैं मेरे प्यारे मित्रों? ध्यान रख लेना, जो भैया आराम से बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, इनको भी तीन वर्ग में बांटा गया है। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया क्या है? ये स्तनधारी अंडे देने वाले हैं, जैसे एकिडना, मोनोट्रेम। ये शब्द याद कर लेना, एकिडना कई बार पूछा गया है मित्रों। ये देखिए ये प्रोटोथीरिया जो है स्तनधारी है, अंडा देता है, याद रख लेना, जबकि स्तनधारी बच्चे देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। मेटाथीरिया क्या होता है सर? हमने कहा ये जंतु ना तो अंडे देते हैं, ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। एक एक बात बहुत अहम रोल निभाएगी आपके एग्जाम में, ये जो भी पढ़ लेगा इसे, मतलब है अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे कंगारू होता है, इसका बच्चा विकसित नहीं होता है, ना ये प्रॉपर तरीका से अंडा देता है। जो अंडा देगा ना स्तनधारी, वो प्रोटोथीरिया में आएगा, जो बच्चा देगा वो मेटाथीरिया में आएगा, बट विकसित ना हो। और भैया जो बिल्कुल विकसित बच्चा देता है, जैसे कि मानव है मेरे प्यारे मित्रों, ये यूथीरिया में आता है। ये सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चे देते हैं, बताइए मानव विकसित बच्चा देता है कि नहीं? ये उदाहरण ब्लू व्हेल, चूहा, याद कर लेना मित्रों, ये एक एक उदाहरण। खरगोश, कुत्ता बच्चा देता है, बाघ, भारतीय हाथी, मनुष्य, चमगादड़, डॉल्फिन। डॉल्फिन जैसे भैया, ये डॉल्फिन इतना बुद्धिमान जीव है मेरे प्यारे मित्रों, ये बिल्कुल मानव की तरीका से जीना चाहता है। कपी, समुद्री गाय, समुद्री सेम, मैंने बताया था अभी, समुद्री गाय और समुद्री सेम ये यूथीरिया में आते हैं, ये भैया मछली नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। आइए कुछ इंपोर्टेंट बात पर हम डिस्कस कर लेते हैं, सेशन लंबा है। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है, और सुरू जिसे स्मॉल माउस सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। मेरे प्यारे मित्रों, पक्षी वर्ग और स्तनधारी दोनों वर्ग समतापी वाले जंतु होते हैं, मतलब जिनका शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता है। व्हेल में सबसे विशालतम दांत वाली व्हेल स्पर्म व्हेल है। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जो मैमेलिया में आता है, बहुत ही बुद्धिमान जीव है। मैमेलिया का मतलब स्तनधारी में आता है। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। एक एक बात हमारे मित्र समझ रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट सेशन है आज का मेरे प्यारे मित्रों। एक बंदर को अलग पढ़ा देता हूँ। बंदर के दो वर्ग होते हैं सर, कौन कौन से? गजब बात कर दी, हम तो बंदर एक ही जानते थे। हमने कहा गलत पढ़ लिया, सवाल पूछा जाता है, आज सब बता दिया भैया, कहना मत फिर। कपी वर्ग अलग होता है, बानर वर्ग अलग होता है। जो आप लंगूर देखते हैं ना, वो बंदर में नहीं आता है, वो बानर वर्ग की श्रेणी में आता है, देख लीजिए। कपी वर्ग के भी दो उदाहरण होते हैं, एक होता है मेरे प्यारे मित्रों हिन वर्ग, और एक महाकपी होता है। हिन कपी में छोटे आकार के कपी होते हैं, जैसे गिवन है मेरे प्यारे मित्रों। बड़े आकार के मानव नुमा कपी होते हैं, जैसे चिंपांजी, गोरिल्ला है। याद रख लेना, बबून ये विश्व का सबसे बड़ा बंदर होता है, ये मैमेलिया में आता है। ये बबून है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा बंदर होता है। चमगादड़ याद रख लेना, ये मैमेलिया में आता है। चमगादड़ पूछा जाता है, स्तनधारी है।
ये ऐसा जीव है जो पराश्रव्य ध्वनि सुन सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये सेशन कैसा लगा भैया? ये वैज्ञानिक नाम दे दिए हैं आपको याद कर लेने के लिए अलग से, भैया याद कर लेना, पूछा जा सकता है। ये पूरा ज्ञान भैया हम अपने टेलीग्राम पर शेयर करते हैं मित्रों, प्लीज सेशन कैसा लगा दम लगा करके सेशन को भैया शेयर कर देना। बहुत मेहनत पड़ती है लगातार एक घंटा बोलना मेरे प्यारे मित्रों, आपका देखिए मोटिवेशन नहीं मिलते है मुझे, बात यह है और कोई अंतर नहीं है। मैं रेगुलर क्लास कर दूं मेरे प्यारे साथियों, फिर भी आ रही है क्लास, आपको बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी जानकारी मिल रही है। कैसा लगा है सेशन आज का, प्लीज भैया कमेंट कर देना। प्यारे प्यारे मित्रों, रिक्वेस्ट है आपसे और सेशन को दम लगा करके सेशन को शेयर कर देना, दो तीन बार वीडियो को देख लेना भैया। मिलेंगे सुबह राइट टाइम 6 बजे मेरे प्यारे मित्रों, तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए भैया, हंसते रहिए। ओके बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।